कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। सो गाइज, आज की वीडियो में हम वर्किंग आवर्स की बात करेंगे। अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट हो, आप जर्मनी में पढ़ने आना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कितने घंटे काम कर सकते हो और आप कितना कमा सकते हो, आप कितना सेव कर सकते हो, प्लस इससे आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता। तो आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। अगर ये सब आपके क्वेश्चन हैं, देन दिस वीडियो इज़ राइट प्लेस फॉर यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम वर्किंग आवर्स डिस्कस करेंगे। अगर आप जर्मनी पढ़ने आते हो तो यहाँ पे एक लिमिटेड वर्किंग आवर्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर पढ़ने आए हो और आप एकदम अनलिमिटेड काम करे जा रहे हो, आपको बस पैसा कमाना है, आपको अपने ब्लॉक अकाउंट पे ब्लॉक अकाउंट करे करने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता, इफ़ इट वुड बी रियल, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, वो लोग बस अपना कमाते रहते। आप बस आ जाते जर्मनी ना पढ़ने के नाम से स्टूडेंट वीज़ा लगवा के, बट यहाँ पे अपना काम करने लगते और पैसे पैसे कमाने लगते। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप स्टूडेंट वीज़ा लगा के यहाँ पे पढ़ने आए हो तो स्टडीज़ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स होते हैं फॉर पार्ट टाइम जॉब इज़ 20 आवर्स पर वीक। अगर आप यहाँ स्टूडेंट हो तो आप एक वीक में सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हो, और ये 20 आवर्स आपके ऊपर है कि आप कैसे डिवाइड करना चाहते हो पूरे वीक में। आप दो तीन दिन काम कर सकते हो, 8 घंटा 8 घंटा और 4 घंटा ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ये 20 आवर्स को पूरे 7 डेज में डिवाइड कर सकते हो फॉर 3 और 4 आवर्स पर डे, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप 900 यूरो से लेके 1100 यूरो तक कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पे पर आर है 12.41। पहले ये 12 यूरो थी, बट अभी फर्स्ट जनवरी 2024 में ये रिवाइज होके 12.41 यूरो हो गई है। तो इतना आप पर घंटे कमाओगे, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 20 आवर्स पर वीक, और एक महीने में आप यू नो 80 आवर्स पर मंथ काम कर सकते हो। तो इसमें आप यू नो इतने पैसे बना सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। और जी, इसके साथ आप एक मिनी जॉब भी कर सकते हो। मिनी जॉब पे यहाँ पे टाइम लिमिट होता है 10 आवर्स पर वीक। उसमें आप 450 यूरो से लेके 500 यूरो तक कमा सकते हो। और जी, ये जो मिनी जॉब की आपकी इनकम होती है, ये टैक्स फ्री होती है। इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। और ये 10 आवर्स पर वीक है, तो आप किसी भी दिन काम कर सकते हो एक दिन के लिए। मे बी सैटरडे संडे वीकेंड पे आप एक दिन चूज़ करके ये 10 आवर्स काम कर सकते हो, और आप आराम से 450 यूरो पर मंथ कमाओगे। और जब आपकी इनकम 450 यूरो तक रहेगी पर मंथ, यू नो मिनी जॉब से, तो ये टैक्स फ्री इनकम होती है। आपको इस पर 0% टैक्स देना होता है, विच इज़ वेरी रेयर इन जर्मनी। आपको पता होगा जर्मनी में टैक्स सिस्टम एकदम आसमान छूते हैं, बहुत सारा टैक्स देना होता है यहाँ पे, बट नॉट विद मिनी जॉब। तो आप इस पार्ट टाइम जॉब को अपनी मिनी जॉब से कंबाइन कर सकते हो, और आप आराम से 1400 से लेके 1500 यूरो तक यू नो यू कैन मैनेज टू अर्न मनी। पर गाइज, ये जो 20 आवर्स पर वीक और 10 आवर्स पर वीक वो मिनी जॉब है, ये आपकी पढ़ाई के टाइम है, जब आपकी यहाँ पर पढ़ाई चल रही हो। बट अगर यहाँ पर सेमेस्टर ब्रेक्स आपके चल रहे हैं, जैसे यू नो होते हैं 2-3 महीने के, जैसे अभी मेरे चल रहे हैं, तो इन सेमेस्टर ब्रेक में आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, विच इज़ अ प्लस पॉइंट विच आई लव। आप काम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ और काम होता नहीं है करने के लिए जब आपकी छुट्टियाँ चल रही होती है। ऑफकोर्स यू कैन ट्रेवल, यू कैन गो एंड सी न्यू प्लेसेस, बट आप कहाँ तक घूमोगे? एक टाइम पर तो आपको अपने रूम पर ही रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पर अगर आप काम कर लोगे तो इट वुड बी नाइस। तो 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो वेन यू आर ऑन सेमेस्टर ब्रेक्स, इट्स अलाउड हेयर, और 20 आवर्स पर वीक वेन यू आर ऑन रेगुलर स्टडीज़। लेकिन ईजी नहीं होता है कि आप पार्ट टाइम जॉब के साथ मिनी जॉब भी करो, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई भी करनी होती है, और यहाँ पर पढ़ाई बहुत सिंपल नहीं होती है। यहाँ पर पढ़ाई और एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत टफ होते हैं। मुझे तो इंडिया से काफ़ी टफ लगा यहाँ का सिस्टम, और ईजीली प्रोफेसर्स लोग पास नहीं करते हैं। आपको सच में पढ़ना होता है, और एक रात पढ़ के, जैसे मैंने एक रील भी डाली थी कि आप एक रात पढ़ के बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वो एग्ज़ाम पास कर सकते हो। जैसे हमारा इंडिया में होता था, 1-2 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी और एग्ज़ाम दिया है, और यू नो वी मैनेज टू पास इट। बट नॉट इन जर्मनी, आप एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो जर्मनी में। आपको यहाँ पे रेगुलर होना होगा, आपको यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होगी, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, आपको यू नो आपको सब अवेयरनेस होनी चाहिए क्लासेस में क्या चल रहा है, प्रोफेसर ने क्या टास्क दिया है, तभी यू विल मैनेज टू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स।
आई होप आपको पार्ट टाइम, मिनी जॉब, टेक सिस्टम और इससे पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। और पार्ट टाइम जॉब, अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करते हो तो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टडीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि हम इंडिया में जैसे हम सिर्फ पढ़ाई करते थे, जॉब नहीं करते थे, हम जॉब सिर्फ पढ़ाई के बाद ही करते थे। पर्सनली मैंने तो ऐसे ही किया, जब मैं ग्रेजुएट हुई थी उसके बाद ही मैंने जॉब स्टार्ट की थी। मैंने कॉलेज टाइम पे इंटर्नशिप वगैरह होती रहती थी छोटी बहुत, बट यू नो एक प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट नहीं करी थी व्हाइल आई वाज स्टडिंग। तो जर्मनी में थोड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना पार्ट टाइम जॉब और स्टडीज़ को, बट हो जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है, लाइफ इज़ नॉट ईजी। अगर आप सोच रहे हो कि आपकी इंडिया जैसी शाही लाइफ यहाँ पे आपको मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत मेहनत करनी है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना है और आपको बहुत स्ट्रगल करना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यू नो जर्मनी चला जाऊँगा एक बार तो सारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, धोखा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जर्मनी में आके आपकी लाइफ थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी, थोड़े आपके और स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है, बट यू नो यू लर्न हाउ टू मैनेज थिंग और इट विल बी ओके। यू नो आप मेहनत करोगे तो लाइफ वुड बी ईजी हेयर ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट और आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, सेमेस्टर ब्रेक, आर्ट्स पर वीक और जी सेविंग, आप सेविंग के लिए हमने बात नहीं करी है। आप अगर सेविंग करना चाहते हो तो अगर आप मिनी जॉब पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप 300 to 400 euro आप कमा सकते हो और आप अपना थोड़ा एक्सपेंसेस कम करके भी इतना सेव कर सकते हो। तो बट सेविंग इट्स आई बिलीव इट डिपेंड रियली ऑन इंडिविजुअल कि एक इंसान कितना सेव कर सकता है, कितना उसका खर्चा है, कितने उसके एक्सपेंसेस हैं, तो ये सब वेरी करता है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ कि आप आके कितना सेव कर पाओगे, मैं थोड़ा बस आइडिया दे सकती हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट और आपको यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो मेरी, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।